English, mathematics, physics, chemistry, all the sciences. Study with me. A quick learning experience. बिसमिल्ला स्टूडेंट सिर्फ आंसर नहीं बताऊँगा बल्कि डिटेल में समझाऊँगा हर हर पार्ट को ताकि आप इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आएँ आप सॉल्व कर सकें क्वेश्चन वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायमेंशन लैस क्वान्टी सबसे पहले तो ये जाने कि डायमेंशन लैस क्वान्टिट्टी क्या चीज़ होती है फिर बाद में बता सकेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायमेंशन क्वान्टिट्टी तो डायमेंशनल क्वान्टी होते हैं फिजिकल क्वाटिटी बच हैज नो फिज़िकल यूनिट्स यानी उसकी यूनिट्स नहीं होती हैं स्ट्रेस क्या चीज़ है जी स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया जिस तरह के प्रेशर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया जिसकी यूनिट होती थी पासकल और स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल होती है या न्यूटन यानी फोर्स की यूनिट और क्रेसेशनल एरिया स्क्वेयर मीटर में तो इसकी तो यूनिट मौजूद है लिहाजा ये तो नहीं हो सकता एनर्जी क्या होती है जिस तरह आपको पता है एनर्जी की यूनिट होती है जउल तो एक तो आपको वैसे ही पता है जाउल है वैसे काइनेटिक एनर्जी एम जी एच होती है सॉरी हाफ एम बी स्क्वेयर होती है और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है और इन दोनों की यूनिट भी होती हैं जौल में तो एनर्जी भी नहीं हो सकता सरफेस टेंशन क्या चीज़ होती है ये एक नई टर्म है रिलेटिवली अगर कोई बॉडी के अंदर जो पानी की कोई लिक्विड सर्फेस होती है नीचे देखें जो भी पॉइंट होता है या ड्रॉप होता है वो हर तरफ इक्वल फोर्स एग्जैट कर रहा होता है जो सर्फेस के करीब होते हैं वो सिर्फ नीचे फोर्स एग्जैट कर रहे होते हैं या राइट लेफ्ट की तरफ एग्जैट कर रहे होते हैं तो इसकी भी बाकायदा यूनिट मौजूद होती है सर्फेस टेंशन क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई लेंथ के एक जगह की क्या लेंथ है इसको आप इस डायग्राम से समझें कि ये सरफेस ऑफ एनी लिक्विड बेहेव एज दो इट इज़ कवर्ड बाय अ स्ट्रेस्ड मैमब्रेन ये ऐसा समझें कि ये जो यहाँ से इधर फोर्स कर रहा है और ये इधर फोर्स कर रहा है जैसे एक स्ट्रेस्ड मैम्ब्रेन है झिल्ली है जिस तरह अगर इसके ऊपर कोई भी चीज़ हम फेंकेंगे तो ये झिल्ली उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ठीक है तो सर्फेस टेंशन भी नहीं हो सकता इसकी यूनिट होती है स्ट्रेन की तरफ आए वट इज स्ट्रेन स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यानी कि इस बॉडी को आप खींच रहे हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी तो जो इसके अंदर चेंज आएगा वो क्या है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ दोनों की यूनिटें मीटर में होंगी तो दाही बात है मीटर डिवाइड बाई मीटर कट जाएगा तो ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है वो डायमेंशन ले होती है क्वेश्चन नंबर टू इफ अ बॉडी मूव टूवर्ड्स अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के तहत एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो निगलैक्टिंग एयर रिजिस्टेंस इट्स मोशन इज कॉल्ड इन चारों को आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं फ्री फॉल क्या होती है फ्री फॉल के अंदर जो है ना जब एक्सेलरेशन होती है देखिए शुरू में वेलोसिटी जीरो होती है बाद में 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में 9.8 बढ़ना शुरू हो जाती है फिर 19.6 फिर 29.4 फिर 39.2 इससे हमें देखने में यही लग रहा है कि आंसर फ्री फॉल होगा लेकिन हम आगे भी चलते हैं पैराबोलिक क्या होता है पैराबोलिक तो पाथ यूं करके जा रहा होता है ठीक है ज़्यादा ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल फ्री फॉल नहीं कर रहा होता है बाद में एंगल पे जा रहा होता है थोड़ा आगे भी जा रहा होता है बिल्कुल फ्री फॉल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आना चाहिए ग्रविटेशनल क्या होती है ग्रेविटेशनल मोशन कुछ भी नहीं होता है इसने क्या कहा है ये निगलेक्टिंग एयर रिजिस्टेंस इट्स मोशन इज कॉल्ड उसको ग्रेविटेशनल मोशन थोड़ी कहते हैं जो नीचे आ रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ, होती है उसको ग्रविटेशनल फोर्स होती है जो कि चीज़ों को नीचे पुल कर रही होती है और आखिरी आ जाता है यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म मोशन है ऊपर से नीचे या नहीं एक्सेलरेट हो रहा है ठीक है ना नीचे आते हुए एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है देखें यहाँ पे जीरो मीटर पर सेकंड नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है एक्सेलरेशन हो रही है तो बेसिकली हमारा आंसर जो होगा फिर वो क्या होगा फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ एक्सेलरेट एट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्टर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस तो फ्री फॉल हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर चेंज फॉर ऑसोलेशन ऑफ टू बॉडीज़ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें कौन सी चीज़ है जो कि दो बॉडीज के लिए चेंज नहीं होती अब आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अगर याद हो क्योंकि सारी मोमेंटम मोमेंटम की बात हो रही है तो दो बॉडीज हैं इसका मोमेंटम है एम वन यू वन और इसका मोमेंटम है एम टू यू टू जब ये दोनों टकरा जाएंगी तो वापस ये वाली टकरा के इधर जा रही है अब इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है पहले यू वन थी अब जाहिर बात है इससे टकराने के बाद वेलोसिटी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी इस केस में देखें तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसकी पहले फ्लॉस्टी ज़्यादा थी ओवरऑल इसका जो है मोमेंटम ज़्यादा था और इसका मोमेंटम कम था क्योंकि छोटा वेट था ठीक है छोटा मास था तो ये जब टकराएंगे इसकी मोमेंटम हो जाएगा एम वन वी वन और इसका मोमेंटम हो जाएगा एम टू वी टू तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ मोमेंटम कहते हैं कि पहले जो मोमेंटम था एम वन यू वन प्लस एम टी यू एम टू यू टू इन दोनों का मिला के जो टोटल मोमेंटम था वो बराबर होगा टक्कर लगने के बाद जो इन दोनों का मोमेंटम होगा तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो सेम रहता है तो सी इज़ द आंसर क्वेश्चन फोर स्टोन इज थ्रोन टू परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ये आप डायग्राम से समझें यहाँ से हम लोगों ने स्टोन फेंका है तो आपको पता है एक्सेलरेशन हमेशा जो ऊपर की तरफ होती है वो या नीचे की तरफ होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है इंक्रीज या डिक्रीज हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन इस केस में नहीं होती पैराबोला के केस में आप देखें हर जगह पे 9.8 ही है यहाँ पे देखें 9.8 है यहाँ पे 9.8 है जो वर्टिकल वाली है शुरू में मिसाल के तौर तो पे देखिए 9.3 19.6 है एक सेकंड के बाद हो जाएगी 9.8 और मजदीद एक सेकंड के बाद ये जीरो होगी क्योंकि बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी है ठीक है तो वर्टिकल एक्सेलेशन जो होती है ना वो चेंज हो रही होती है तो विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्टिकल एक्सेशन ऑफ स्टोन ठीक है ज़ीरो होती है कांस्टेंट होती है ये देखें ये ये बात ठीक है एक्सेशन वर्टिकल एक्सेशन कांस्टेंट होती है देखें यहाँ या से यहाँ पे भी नाइनटीन पॉइंट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड ये आपने देख लें ए वाई ने परमानेंट कर दिया माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड ठीक है जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सेरीशन जीरो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सेरीशन जीरो होती है वर्टिकल एक्सेशन नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड होती है तो ये कॉन्सटेंट ही हमारा आंसर है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ वर्क वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ठीक है और वर्क की जो यूनिट्स होती हैं आप कहीं यूनिट ऑफ वर्क इज़ जऊल और क्या यूनिट होती है फोर्स क्या होती है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मै मीटर uh, तो न्यूटन मीटर भी एक यूनिट होती है तो जौल भी यूनिट है न्यूटन मीटर भी यूनिट है इसमें कई कौन सी चीज़ें जो यूनिट नहीं होती है. तो आगे आ जाए न्यूटन फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम ये भी कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलेशन इंटू डिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना तो मास की यूनिट क्या होती है के जी एक्सेलेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्र और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर तो अगर इसको किया जाए किलोग्राम मीटर स्क्यर पर सेकेंड स्क्र तो यहाँ तो पर तो किलोग्राम मीटर स्क्यर पर सेकेंड स्क्र अगर होता तो वो तो होना चाहिए था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट नहीं होती तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन सिक्स इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखें स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोलिकूल्स तेज़ी से दौड़ते हैं तो लिहाजा उसकी स्पीड बढ़ जाती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ती है टेम्परेचर के साथ कितना बढ़ती है पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ठीक है अब इसको जरा गौर से देखें थ्री थर्टी वन है तो मीटर पर सेकंड के अंदर देखें क्या सिक्स पॉइंट वन मीटर सेकेंड सिक्स थ्री वन मीटर पर सेकंड अब आपको पहले पॉइंट सिक्स ये हो, होगा कितना पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड क्यों क्योंकि सारी हम लोगों की ये कैलकुलेशन थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकंड है तो ये पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई टेम्परेचर है तो पॉइंट मीटर कितना होता है वन मीटर कितना होता है पहले ये देखें वन मीटर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर तो पॉइंट मीटर होगा सिक्सटी सेंटीमीटर के बराबर तो ये वाला तो खत्म ही हो गया सिक्स पॉइंट वन मीटर्स पर सेकेंड वाला ठीक है तो सेंटीमीटर्स के अंदर आनी है तो कितना सिक्सटी सेंटीमीटर्स हम लोग आए यहाँ पर सिक्सटी सेंटीमीटर्स वाली कौन सी चीज़ है ये भी नहीं हो सकता सिक्सटी वन मीटर तो ये है पॉइंट सिक्स वन या सिक्सटी वन तो यहाँ से दोबारा देखें वन मीटर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर तो पॉइंट सिक्स मीटर होगा सिक्सटी सेंटीमीटर तो ये सिक्सटी वन सेंटीमीटर है यही क्लोजेस्ट है यही आंसर है हमारा क्वेश्चन सेवन फॉर अ सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर ए एक्सेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इट्स फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी क्या होती है वन ओवर टाइम पीरियड सिंपल हारमोनिक मोशन में हमें पता है फ्रीक्वेंसी एफ uh, क्या होती है इक्वल टू माइनस के एक्स अब आप देखते हैं हमें तो पता है एफ इज ईक्वल टू एम ए होती है फोर्थ इज ईक्वल टू एम ए तो मास इंटू एक्सेलेशन अभी एक्सेलेशन की जगह अगर हम ये वाली डालते हैं वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वेयेर एक्स तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू माइनस मेगा स्क्वेयेर एक्स खोल दें ब्रैकेट को माइनस एम मेगा स्क्वेयर एक्स अब हमें पता है कि एफ इज ईक्वल टू माइनस के एक्स और एफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स इसका मतलब है माइनस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अब इनके अंदर जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काट दें माइनस माइनस कट गया एक्स एक्स कट गया तो बच गया हमारे पास एम ओमेगा स्क्यर इज इक्वल टू के यहाँ से हमारे पास आ जाती है अगर इसको देखें हमें क्योंकि फ्रिक्वेंसी चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाल लिया हमें एम ओवर के चाहिए तो एम ओ के इससे निकाल लें तो बन जाता है वन ओर ओमेगा स्क्वेयर वो इस इक्वेशन में भी हम पुट करते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट एम ओवर के की जगह हम लोगों ने लिख दिया स्क्र रूट वन ओवर ओमेगा स्क्यर इसको सॉल्व करें तो टाइम पीरियड इक्वल टू पाई वन ओवर ओमेगा आ गया और टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा और इसका उल्टा कर लें क्योंकि हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए ओमेगा ओवर टू पाई या आपने जल्दी में इसको नहीं टिक कर देना ओमेगा ओवर टू पाई चार्ली इज द आंसर क्वेश्चन एट द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज ये आपको डायग्राम याद होनी चाहिए जो भी चीज़ मिसाल के तौर तो पर सेटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एम मास ऑफ अर्थ क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका मास इस अर्थ के मास के बीच में एक के साथ जो है निगलिजिबल होता है डिवाइडेड बाय जो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू तो दैट सेटेलाइट या जो भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसने स्मॉल आर दिया हुआ है हमारे केस में देखा जाए तो सिर्फ कैपिटल आर की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है तो ये वाली ऑप्शन बन रही है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्र रूट क्वेश्चन नाइन मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन फॉलिंग स्फीयर इज नाइन पॉइंट एट न्यूटन इट्स वेट विल बी इसको आप जरा पिक्टोरियली समझें बॉल जब गिर रही होती है तो उसके ऊपर नीचे फोर्स जो तो टू ग्रेविटी लग रही होती है और जो उसको रुकावट दे रही होती है हवा की रेजिस्टेंस उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स जब टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव हो जाती है तो उस टाइम पे ड्रैग फोर्स बराबर होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फर्दर देखें इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रैग फोर्स जीरो है स्टार्ट में उसका जो फोर्स जो तो टू ग्रेविटी कितनी है माइनस ये कॉन्स्टेंट रह रही है आप देखें ठीक है जो जो एक्सेशन क्या होती है रिड्यूस होना शुरू हो जाती है एक्सलेशन इनिशियली क्या थी माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो जो जो एक्सेशन कम होना शुरू हो जाती है तो ड्रैक फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, जाती है ठीक है एक वक्त आता है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जीरो हो जाती है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो चुकी है यानी टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस टाइम पे ड्रैग फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन देखें ड्रैग फोर्स मैक्सिमम ड्रैक फोर्स ऑन अ फॉलिंग फेयर इज नाइन पॉइंट एट न्यूटन यानी नाइन पॉइंट एट न्यूटन इट्स वेट विल भी इस टाइम पर इसका वेट कितना होगा उतना ही होगा जितना ड्रैक फोर्स है ठीक है ये आप इस मिसाल से देखें ड्रैक फोर्स इज इक्वल टू वेट जब एक्सलरेशन जीरो हो चुकी हो जो कि हमारे इस केस में था ठीक है हमारे केस में कितना जो है फॉलिंग फेयर को ड्रैक फोर्स पर रही है नाइन पॉइंट एट न्यूटन तो हमारी जो वेट होगा वो भी इस मौके पर नाइन पॉइंट एट न्यूटन होगा क्वेश्चन नंबर टेन वैन लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड द रेशो ऑफ ओल्ड टू न्यू टाइम पीरियड विल बी ये बड़ी चीज़ है देखें पहले एक टाइम पीरियड होता है टाइम वन इज इक्वल टू टू पाई स्क्र रूट एल वन ओवर जी यानी कि पहले जो टाइम पीरियड है वो है टू पाई स्क्र रूट एल वन पहला पेंडुलम है उसकी लेंथ वन डिवाइड बाई जी है अब उसने क्या किया वैन लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल यानी एल वन की जगह टू टाइम्स एल वन हो जाए तो अब क्या करना है रेशो ऑफ ओल्ड टू न्यू टाइम पीरियड यानी टी वन डिवाइडेड बाय टी टू करके देख लें अब आप देखें बाकी सब कुछ तो कट गया नीचे सिर्फ स्क्वेयर रूट टू रह गया इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय स्क्वेर रूट टू या वन रेशियो स्क्र रूट टू दिस इज अवर आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन द स्ट्रोक स्ट्रोक्स लॉ इज वैलिड फॉर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए स्ट्रोक्स लॉ की स्ट्रोक लॉ कैलकुलेट्स द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर तो ये तो हमें पता लगे ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी नहीं होती स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है एज इट्स ट्रेवल थ्रू अ फ्लूड याद रखें फ्लूड जो है ऑब्वियसली फ्लूड गेट्स द ऑब्जेक्ट्स स्पीड स्लोअर चाहे पानी में डालें किसी और लिक्विड में डालें या एयर को भी फ्लूड कहा जाता है इसमें ये जो है ना किसी भी बॉडी को नीचे जा गिरने से स्लो करने की कोशिश करता है तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग एट स्लो स्पीड होना चाहिए और ये आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए ड्रैग फोर्स का सिक्स पाई विस्कोसिटी रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड विलासटी ऑफ द पार्टिकल ठीक है स्फेरिकल ऑब्जेट्स फॉलिंग एट लो स्पीड इज आर आंसर क्वेश्चन ट्वेल्व द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट लोकस मीन्स लाइन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग द सेम वाइब्रेशन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्रैश ट्रफ वेव लेंथ या वेव फ्रंट हमें पता है क्रैश ट्रफ वेव फ्रंट नहीं है लेकिन फिर वेव लेंथ नहीं है ये वेव फ्रंट ये हो लेकिन जरा तस्वीर से समझिए क्रैस्ट क्या होता है इट इज़ अ पॉइंट द टॉप मोस्ट पॉइंट ज़्यादा ये लाइन ऑफ पॉइंट्स या लोकस ऑफ पॉइंट्स नहीं हो सकता ट्रफ क्या होता है लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट इन अ वेव तो ये भी लाइन ऑफ पॉइंट्स नहीं या लोकस नहीं हो सकता वेव लेंथ क्या होती है द डिस्टेंस या डिफ्रेंस बिटवीन वन क्रैस्ट एंड द अदर क्रैश और डिस्टेंस बिटवीन वन ट्रफ एंड द अदर ट्रेस्ट ट्रफ तो यह भी सिर्फ दो पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ पॉइंट्स नहीं है तो वेव फ्रंट की अभी जरा शक्ल देखें आप वेव फ्रंट के अंदर ये एक वेव है इस पर ये वाला पॉइंट ये वाली वेव फ्रंट है वेव वेव है इस पर ये वाला पॉइंट इस वाली वेव में ये वाला पॉइंट तो ये एक लाइन ऑफ पॉइंट्स बन रही है एट द क्रेस्ट ठीक है तो इसको कहा जाता है वेव फ्रंट ठीक है अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच वन इज द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनैमिक्स फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ जाता होता है आप देखें जब हीट ट्रांसफ़र की जाए इस ऑब्जेक्ट से ठीक है इसको प्रेस किया गया है किसी तरीके से तो हीट ट्रांसफर करके किया गया है वर्क किया गया है इसके अंदर ठीक है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की आपको इक्वेशन मालूम होती है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू आप इसी को याद किया करें डेल्टा क्यू होती है हीट गिवन और लॉस्ट डेल्टा यू इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्योंकि इसको प्रेस किया जा रहा है हीट करके या हीट पीछे पुल करके तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है डब्ल्यू इज द वर्क डन आप देखें आपको चार तरह के प्रोसेस बताएँ आइसो बैरिक प्रोसेस ये बैरोमीटर आपको याद होगा प्रेशर मैयर करता है और आइसो मीन्स सेम यानी सेम प्रेशर। अभी यहाँ पे देखें ढकना हटा हुआ है बर्तन का तो इसके ऊपर एक ही प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है क्यों क्योंकि जो भी आ, 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 पानी गर्म हो रहा है उबल के उससे बॉयल होके पानी बाहर फ्यूम्स बन के निकल रहा है ठीक है तो ये है कांस्टेंट प्रेशर रिमेंस आइसो आइसोकोरिक प्रेशर यहां पे प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ठीक है, है? इसीलिए आप देखें ढकना बंद किया हुआ है जो भी चीज फ्यूज बन रहे हैं वाटर पेपर बन रहे हैं वो दोबारा अंदर गिर रहे हैं ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट ट्रांसफर ना कोई हीट अंदर जा सकती है ना कोई बाहर आ सकती है आइसो थर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें आइसो सेम थर्मल टेम्परेचर से निकला है सेम टेम्परेचर रहता है ये उस मौके पे होता है जब पानी उबल रहा हो मिसाल के तौर पे ठीक है पानी उबल रहा है तो इसका मतलब हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन वो हीट क्या जा रही है वो इसका टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने पर यूज हो रही है नहीं वो किस लिए यूज हो रही है इस पानी की फेज को कन्वर्ट करने के लिए वाटर से वाटर वेपर्स में ठीक है तो इसका डेल्टा यू सेम रहता है ठीक है डेल्टा टी सेम रहता है जब डेल्टा टी सेम रहता है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू भी सेम रह रही है आप देखें टेम्परेचर नहीं बढ़ा और इसका मतलब है, टोटल इंटरनल एनर्जी भी इसकी नहीं बढ़ रही क्यों क्योंकि एनर्जी तो यूज़ हो रही है पानी को उल्टा उबालने में अब देखें आपने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इसमें डेल्टा यू जीरो हो गया है तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सो ए इज़ आवर आंसर क्वेश्चन फोर्टीन द प्रोसेस इन विच नो हीट एनर्जी एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड ये हमने अभी एग्जाम्पल से देखा था ये देखें जिसमें कोई ना एंटर हो रही हो हीट एनर्जी ना बाहर जा सकी हो इसको कहते हैं ए डायाबैटिक प्रोसेस ठीक है या एडियाबैटिक प्रोसेस भी लोग कहते थे तो ये हमारा आंसर है ए क्वेश्चन फिफ्टीन अ स्टोन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन वर्टिकल सर्कल बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम एड आप वैसे आप खुद सोचें कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये एक यहाँ से आप एक पकड़ा हुआ स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन आप उसको यूं यूं करके घुमा रहे हैं हाथ से ठीक है तो जब आपके हाथ जब यहाँ आते हैं तो उसने पूरा जोर लगाना है ऊपर की तरफ जाने के लिए ठीक है आपको फोर्स लगानी पड़ती है ज़्यादा तो ये वाली जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर लगता है यानी कि एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट लेकिन इसको मैथमेटिकली समझें सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इन ए सी और ए सी क्या होती है ओवर किरो तो सेंटिपटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर होती है और सेंट्रपटल फोर्स भी यही होती है ठीक है टेंशन इज द फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्स सेंटर ऑफ सर्कल दस कॉल्ड सेंटिपिटल फोर्स इट्स अपोजिट टूअर्ड्स आउटसाइड इज कॉल्ड सेंटिपिकल फ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होती हैं और बोथ आर एम वी स्क्र ओवर आर इसके बराबर होती हैं अब ये आप देख लें ये यहाँ पे जो टेंशन है यहाँ पे टेंशन है यहाँ पे टेंशन है, है तीन चारों के नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टेंशन मुख्तलिफ हो रही होती है किसी जगह पे कम है किसी जगह पे ज़्यादा टेंशन इसको देनी पड़ रही है हमें ठीक है इन दो पॉइंट पे बराबर है इसलिए इनको टी टू कर दिया आप देख सकते हैं ठीक है थीके? अभी आ जाएँ जी यहाँ पे देखें एक नीचे इसके ऊपर वेट लग रहा होता है वेट यहाँ पे नीचे लग रहा है यहाँ पे कितना लग रहा है यहाँ पे भी नीचे लग रहा है ज़्यादा फ़र्क यहीं पे आ रहा है ठीक है इन दोनों में देखें कोई फ़र्क नहीं आ रहा ठीक है यहाँ पे वेट नीचे लग रहा है यहाँ पे वेट नीचे लग रहा है ठीक है वेट यहाँ पर भी नीचे है यहाँ पर आप कभी सोचें झूले में आप कभी ऊपर जाते हैं जब नीचे आने लगता है तो एक दफ़ा आपकी सांस बैठती है कम टेंशन होती है आपके जिसम के अंदर ठीक है इस डायग्राम को अब आप देखें तो नीचे की तरफ टेंशन क्या है एम वी स्क्र ओवर आर प्लस एम जी क्योंकि अभी यहाँ पे वेट नीचे की तरफ ज़्यादा हो रहा है तो ओवरऑल टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर और आर प्लस एम जी ये वाली टेंशन है ऊपर देखें टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर ओर आर माइनस एम जी क्योंकि झूला जिस तरह नीचे जाता है इसी तरह पत्थर भी नीचे आते हैं वेट उसका लूज़ हो रहा होता है एम वी स्क्र ओर आर माइनस एम जी तो नीचे की तरफ जो है सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है एट द लोएस्ट पॉइंट क्वेश्चन सिक्सटीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल अबाउट सेंटर इज ये आप लोगों का डायग्राम एक गिवन है उससे मिलती जुलती डायग्राम मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए तो एक थिन रॉड है ठीक है उसका सेंटर के ऊपर जो है अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन हो तो उसका इनर्शिया कितना होगा वन बाय ट्वेल्व एम एल स्क्र वन बाई ट्वेल्व एम एल स्क्र ये है ये होना चाहिए लेकिन Uh, जो फेडरल बोर्ड है उसने सोलूशन सेट के अंदर तो वन बाय टू एम एल स्क्वायर लिया है जो कि गलत है ठीक है हम लोग इसको नहीं करेंगे इसको करेंगे कि वन बाई ट्वेल्व एम एल स्क्वायर इसी तरह आपको ये भी याद होनी चाहिए कभी इन में से कोई आ जाए तो ये वाली पिक्चर आपको जहाँ भी अपनी बुक में नज़र आती है आप इसको अच्छी तरीके से लगा लें क्वेश्चन सेवनटीन इफ़ टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एफ वन एंड एफ टू आर साउंडेड टुगेदर सच दैट एफ टू इज ग्रेटर दैन एफ वन दैन द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज़ कितनी होंगी ये आप डायग्राम से समझें और पहले पढ़ लें कि बीट्स क्या होती हैं वन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू तो देयर सुपर पोजिशन तो क्या होता है द इंटेंसिटी अल्टरनेटिवली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ये मैं आपको तस्वीर से भी समझाता हूँ पीरियॉडिक वैक्सिंग एंड विंगलिंग ऑफ साउंड एट अ गिवन पोजिशन आर कॉल्ड बीट्स ठीक है ये डायग्राम देखें ये फ्रीक्वेंसी वन है नाइनटीन वाइब्रेशन पर सेकेंड है ठीक है और ये है फ्रीक्वेंसी टू तो जो इनका डिफरेंस है मतलब जो ग्रेटर है माइनस जो स्मॉलर वैल्यू उतना जो है नंबर ऑफ़ बीट्स होती हैं इसमें देखें कितनी दफ़ा आ, विंगिंग हो रही है मिसाल के तौर पे पर यहाँ पर उठ ठीक है तो ये जो एक सेकंड के अंदर एक ही बीट आ रही होती है एक ही दफ़ा या उ या हो रहा है ठीक है आगे देखें मिसाल के तौर पे ये एक फ्रीक्वेंसी है 24 फोर हर्ड ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ड्स तो आप देखें 30 माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स बीट्स पर सेकेंड होंगी अब आप देखें यहाँ से एक सेकेंड का ये वाला टाइम पीरियड है ठीक है इसमें देखें टोटल या छः दफ़ा ऊँ हो रहा है या जू हो रहा या? है आप यानी कि देखें मैक्सिमम एक दफ़ा सुपर उम्पोज हो रहे हैं या कैंसल आउट कर रहे हैं ठीक है कंस्ट्रक्टिव इस साइड पे हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हैं ठीक है तो सिक्स बीट्स पर सेकेंड यानी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द लोअर वन एफ टू माइनस एफ वन इज द आंसर मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज कर जाते हैं अलबा वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूँ कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं खुश रहें और रे में रहें